उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जनपद हरदोई का दौरा किया, जहां उन्होंने 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच पर तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं सीएम ने ODOP के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल कुछ बालिकाओं को लैपटॉप, टैबलेट और चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और यूपी सरकार की हर योजना का लाभ बहन बेटियों तक पहुँच रहा है। लेकिन योजनाओं का लाभ एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिलाओं को मिलना हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। अकेले पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मुख्य वोट बैंक को पूरी तरीके से अपने साथ रखना चाहती है और इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश इकाई की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत पिछड़े वर्ग से जुड़े सांसदों को भी इस बैठक में बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को गुरुवार को जिला जज की अदालत से बड़ी राहत मिली। आगरा में साकेत मॉल स्थित टोरेंट कार्यालय में अधिकारी से मारपीट के मामले में फैसला आ गया है। जिला जज की अदालत ने निचली अदालत की सजा के फैसले को रद्द कर दिया है और सांसद कठेरिया को अदालत ने बरी कर दिया है। इससे पहले MPMLA कोर्ट ने इटावा सांसद को 2 साल कैद की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। MPMLA कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रामशंकर कठेरिया ने जिला कोर्ट में अपील दायर की थी। सांसद रामशंकर कठेरिया के बरी होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में ASI सर्वे की कार्रवाई पूरी हो गई, अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। ASI की टीम ने वाराणसी जिला जज न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। इस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 14 दिनों का अतिरिक्त समय रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दे दिया है। वादी पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि आज सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी थी। टीम ने प्रार्थना पत्र दिया था कि रिपोर्ट तैयार करने में 15 दिन का वक्त और भी लगेगा और अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र में इवज चौराहे के निकट फेस्टा हाउस कैफे में सेक्स रैकेट चलने के कई बार सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद स्थानीय पार्षद ने क्षेत्र के लोगों के साथ हंगामा कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के संरक्षण में कैफे संचालक पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक और युवती सहित कैफे पर मौजूद 4 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। मौके से पुलिस को आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है।